पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कल शाम कांग्रेस कार्यसमिति यानी CWC की बैठक हुई। इस बैठक से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं, राहुल और प्रियंका को भी साइडलाइन किया जा सकता है, लेकिन इन सब से इतर अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं के सुर भी CWC की बैठक में बदले बदले से नजर आए। एक नई कांग्रेस की बात करते दिखे G23 के नेता। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। पार्टी की कमान फिलहाल सोनिया गांधी के हाथों में ही रहेगी। चार घंटे चली CWC की बैठक में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी नेताओं की बातों को ध्यान से सुना। जो नेता कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की मांग कर रहे थे, उनको करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर गांधी परिवार के इस्तीफों से कांग्रेस मजबूत होती है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। उनके इस ब्रह्मास्त्र का किसी कांग्रेस नेता के पास कोई जवाब नहीं था। बैठक में मौजूद सभी नेता सोनिया की इस बात से सन्न रह गए। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने नाना के अंदाज में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गुलाम नबी आजाद समेत कार्यसमिति के सभी सदस्यों ने सोनिया से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाते रहने की गुजारिश की है। गुलाम नबी आजाद भी ग्रुप 23 के नेताओं में शामिल रहे हैं। G23 ने अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को ही चिट्ठी लिखकर कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की मांग की थी। उसके बाद से ये ग्रुप गांधी परिवार के समर्थक नेताओं के निशाने पर रहा है। कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करती रहेंगी और भविष्य में वही निर्णय लेंगी। हम सभी को उनके नेतृत्व पर भरोसा है। वहीं AICC महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि CWC ने सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में भरोसा जताया है। इसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए जरूरी बदलाव को तैयार हैं। कार्य समिति ने प्रभावी और जरूरी सांगठनिक बदलावों के जरिए कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरियों को दूर करने की बात भी कही, ताकि राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया जा सके। CWC मीटिंग से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार जैसे कद्दावर नेताओं के साथ साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ ने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की। हालांकि मीटिंग में तय हुआ कि संसद का बजट सत्र खत्म होने के बाद चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव अशोक गहलोत ने दिया। शिविर से पहले एक बार फिर से CWC की बैठक होगी और फिर सितंबर महीने में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।